मैं कौन हूं बड़ा जटिल प्रश्न है, उत्तर कौन देगा? अगर आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं राम सिंह हूं, मैं श्याम सिंह हूं, मैं अब्दुल हूं, मैं अली हूं, मैं जोसेफ हूं? नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन आपके नामकरण संस्कार से पूर्व भी तो आपका अस्तित्व था। जन्म से पूर्व माता के गर्भ में भी तो आपका अस्तित्व था, उस समय आप कौन थे? नामकरण संस्कार से पूर्व आप कौन थे, माता के गर्भ में आप कौन थे? तब हम क्या कहेंगे? तब हमारे पास क्या उत्तर रहेगा? तब मेरी पहचान क्या थी? कभी विचार किया? बड़ा विचारणीय है। दर्शन शास्त्रियों ने, खास करके सांख्य और बौद्ध दर्शन ने, इसी का नाम ज्ञान कहा है। जो इसको जानता है वो ज्ञानी है, जो नहीं जानता वो अज्ञानी है। इसलिए इसको जानना परम आवश्यक है। शरीर मूलतः एक पिंड है, पर इस पिंड के अंदर केवल एक शरीर नहीं है। मुख्य रूप से शरीर जो है तीन प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कहीं कहीं महाकारण शरीर का जिक्र भी कई ग्रंथों में, कई शास्त्रों में आता है। वो है एक अलग विषय होगा, आज हम बात कर रहे हैं स्थूल देह। स्थूल देह क्या है? यह जो हमारा शरीर है इसी को स्थूल देह कहते हैं। जो हमारी आंखों से दिखाई पड़ता है किसी दूसरे का शरीर या दर्पण में खुद का शरीर, यही स्थूल देह है, यही स्थूल शरीर है। इसमें क्या क्या होता है? तो ये तो सबको पता है कि शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है, पांच तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन हम शरीर की बात करें तो शरीर में क्या क्या होता है? गरुड़ पुराण बताता है कि शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, रोए रोम जो होते हैं 3.5 करोड़, 7 लाख के करीब बाल है, 20 नाखून है या उससे ज्यादा किसी के हो जाते हैं, एक आदमी किसी की ज्यादा हो जाती है, पर साधारणतया 20 नाखून होते हैं, 32 दांत होते हैं और एक सामान्य कदकाठी मनुष्य में लगभग 4000 तोला मांस होता है। तोला 10 ग्राम से लेकर के 12 ग्राम के बीच में होता है और 400 तोला खून होता है, 280 तोला त्वचा चमड़ी होती है, 48 तोला मज्जा होता है, 2 मुट्ठी धातु होती है, पित्त 50 पल होता है और 25 पल कफ होता है, करोड़ों नाड़ियां होती हैं, कुल 360 हड्डियां होती हैं। अब कई लोग कहेंगे कि शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, पर जन्म के समय शिशु में 360 हड्डियां ही होती हैं। बाद में जैसे जैसे विकास होता है उससे हड्डियां कम हो जाती हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि शरीर पंच महाभूतों से, पांच तत्वों से, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तथा आकाश से बना है। पर यह एक साधारण बात है, इसका और ज्यादा विस्तार है, कैसे, क्या, किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, वह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।